हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रदेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हूँ पहलवान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, नेचर, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स के बारे में आपको बोला था कि इसके ऊपर मेरी वीडियो आएगी, तो मैं उसके लिए पहले क्षमा भी चाहूँगा, थोड़ा लेट हो गया हूँ। लेकिन टाइप करना पड़ता है इधर उधर से, रिसर्च पेपर, PhD की बुक्स, MPED की, BPED की, सभी से निकाला जाता है मैटर और उसमें फिक्स किया जाता है। फिर आपके लिए जो अच्छा कंटेंट है वो निकाल के उसको टाइप किया जाता है, फिर PDF क्रिएट करके फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर थंबनेल क्रिएट होता है, फिर बहुत टाइम लगता है वीडियो में, आप समझ सकते हो। तो उसके लिए आप मुझे क्षमा चाहूँगा मैं उस चीज़ के लिए। तो मैं आपके लिए 12 बजे से पहले पहले, मतलब कि आज का ही दिन हो गया, आज ही मैंने बोला था कि आज ही लाऊंगा मैं वीडियो। तो मैं अपने अपने बिना देरी के अपने टॉपिक पर आता हूँ। मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड नेचर, नीड, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। तो ये इसके बारे में मैंने बोला था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BPED में भी, MPED में भी, और BPS में नहीं, BPS में नहीं आता, BPED और MPED दोनों में आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो मैंने कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, वो यदि किसी को PDF में चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। अगर किसी को सेपरेट चाहिए तो मुझे WhatsApp पर हेलो बोल सकता है, उसको मैं सेपरेट भी सेंड कर दूंगा। तो आप जैसे भी डालना चाहें उसमें कमेंट करके मुझे बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और WhatsApp पर इंडिविजुअली भेज दूंगा, जैसे आप चाहें ऐसे मुझे बोल सकते हैं। और ये बताना चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश में नहीं आता, इंग्लिश में समझ नहीं आता, हिंदी में समझ नहीं आता, हमें तो इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, जो भी है जैसे भी है, मैंने बाईलैंग्वल को बिल्कुल रिकॉर्ड किया है और टाइप किया है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। तो उसको मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख के देता चलूँगा और आप इसमें पर्सनल व्यू में इसको एक साथ नहीं देखें, बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा पहले एक बार मीनिंग देख लिया, फिर एक बार में डेफिनेशन देख लिया, फिर एक बार में टाइप्स देख लिया, फिर नेचर देख ली, फिर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स ये देख लिया। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, बोर नहीं होंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो मैं बिना देरी के अपने टॉपिक पर आता हूँ। टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। तो मीनिंग जो हमारा सांख्यिकी अर्थ है, वो सांख्यिकी अर्थ हिंदी में भी नीचे ही दिया हुआ है, सांख्यिकी अर्थ। तो सांख्यिकी अर्थ क्या है, तो मैं इसको बता देता हूँ पहले, तो इंग्लिश में भी डिस्क्राइब करता हूँ और हिंदी में भी। द वर्ड ऑफ स्टैटिक्स हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम द स्टेटस विच इज लैटिन वर्ड और स्टैटिस्टा विच इज इटालियन वर्ड। तो इसमें सांख्यिकी शब्द स्थिति से लिया गया है, स्थिति मीन्स जो स्टेटस है वो स्थिति है, सिचुएशन है, उस चीज से इसका वर्ड लिया गया है, जो एक लैटिन शब्द स्टेटिस्टा है और ये इटालियन शब्द भी है, जो इटालियन शब्द है। और 18वीं शताब्दी में प्रोफेसर GF अचेनवाल का पहली बार उपयोग किया गया है। तो GN अचेनवाल जो है, इन्होंने पहली बार उपयोग किया था इन द 18th सेंचुरी। प्रोफेसर GN अचेनवाल हैज बीन यूज्ड फर्स्ट टाइम। तो 18वीं शताब्दी में प्रोफेसर GF अचेनवाल जी ने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था। उन्होंने इन शब्द का प्रयोग प्रारंभिक अवधि के दौरान क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति के लिए किया गया था। तो जो वर्ड है उन्होंने किस लिए यूज किए थे, दीज वर्ड्स वर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल स्टेट ऑफ द रीजन ड्यूरिंग अर्ली पीरियड। तो उस टाइम का जो पीरियड था, उस प्रारंभिक अवधि के दौरान, तो ये प्रारंभिक अवधि के दौरान, उस दौरान इन्होंने राजनीतिक स्थिति के लिए किया गया था, पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उसलिए यूज किया था। इटालियन शब्द स्टैटिस्टा का उपयोग जनगणना के रिकॉर्ड या किसी राज्य या राष्ट्र की संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को बनाए रखने के लिए किया गया था। तो इन्होंने जो किया था, प्रोफेसर GF अचेनवाल ने, इन्होंने किस लिए किया था, वो द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा यूज किस लिए किया था, वॉज यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ सेंसस, सेंसस मीन जनगणना, और डाटा रिलेटेड टू वेल्थ ऑफ ए स्टेट ऑब्लिक नेशन। तो जो डाटा है जनगणना का, वो राष्ट्र की संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को बनाए रखने के लिए किया गया था। इसके बाद आंकड़ों का अर्थ और उपयोग बढ़ता गया। तो इसका जो आफ्टर दिस
जो हमारे आंकड़े ऑब्जर्वेशन उसका मीनिंग एंड यूज दोनों ही बढ़ता चला गया और वहां से इसकी प्रकृति बदल गई, तो इसकी नेचर भी वहां से चेंज हो गई। एक आम आदमी के लिए सांख्यिकी का अर्थ मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त सांख्यात्मक जानकारी है। तो आम आदमी के लिए इसका यूज क्या है, तो हम कहाँ थे, फॉर ए कॉमन मैन, तो जो आम आदमी है उसके लिए इसका यूज क्या है। स्टैटिक्स मीन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स विच मे रिलेट टू सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन फिनोमेना और रीजन ऑफ स्पेस। तो आम आदमी के लिए क्या है, आम आदमी के लिए सांख्यिकी का अर्थ मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त संख्यात्मक जानकारी है जो वस्तुओं विषयों गतिविधियों सूचनाओं घटनाओं या अंतरिक्ष के क्षेत्रों से संबंधित होता है। तो स्पेस के रिलेटेड भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी शब्दों को दो व्यापक अलग अलग तरीकों से परिभाषित कर सकता है। जो सांख्यिकी जो हमारा स्टैटिक्स जो वर्ड है उसको दो अलग अलग ब्रॉड जो हमारे तरीके हैं उनसे डिफाइन कर सकता है, क्योंकि इसका उपयोग एक वचन और बहुवचन अर्थों में, तो इस जिसको यूज जो है वो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका विभिन्न अर्थों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सिंगुलर में भी और प्लूरल में दोनों मीनिंग में इसका यूज करने के लिए इसको डिनोट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जो इस टॉपिक को जब पढ़ें इसको मीनिंग एक बार में पढ़े, फिर इसका रेस्ट कर लिया अपना 10-15 मिनट, फिर डेफिनेशन पढ़ी इसकी, फिर अपना 10-15 मिनट रेस्ट कर लिया, इस टाइप से पढ़ना। एक क्वेश्चन एक बार में पढ़ना, नहीं तो बोर हो जाओगे और नहीं कुछ समझ में आएगा। मैं तरीका भी आपको बता दिया है कि इसका क्या तरीका रहेगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स की क्या क्या परिभाषा है, क्या क्या जो हमारे शिक्षा सांख्यिकीविद हुए हैं स्टैटिशियन हुए हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी है वो हम देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स हैज बीन गिवन बाय द डिफरेंट स्टैटिशियन इन डिफरेंट वेज। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स आर गिवन बिलो। तो जो भी उन्होंने डेफिनेशन दी है वो सारी नीचे हैं। तो सबसे पहले एल बाउली बोलते हैं, एल बाउली डिफाइंड, इन्होंने क्या डिफाइन किया है, हम इनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो इन्होंने डिफाइन किया है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। तो इसका जो एल बाउली जी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं स्टैटिक्स मे बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। उन्होंने कहा ही ऑल्सो सेड दैट स्टैटिक्स मे राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। तो नीचे से हिंदी में बात करते हैं, तो इन्होंने बोला है एल बाउली ने परिभाषित किया कि सांख्यिकी को गिनती का विज्ञान भी कहते हैं। तो इन्होंने बोला जो हमारा स्टैटिक्स है उसे साइंस ऑफ काउंटिंग, गिनती का विज्ञान, साइंस ऑफ काउंटिंग गिनती का विज्ञान इसको ही बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, क्या भी कहा देखते हैं, सांख्यिकी को सही मायने में औसत का विज्ञान भी कहा जाता है। तो इन्होंने बोला अगर हम सही मायने में इसको देखें तो इसको हम साइंस ऑफ एवरेज भी कहते हैं। सही मायने में हम इसको देखें स्टैटिक्स में राइटली वी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। यदि हम सही मायने में इसको देखें तो इसको साइंस ऑफ एवरेज भी कहा जाता है, साइंस ऑफ काउंटिंग तो कहा ही जाता है। नेक्स्ट जो अकॉर्डिंग ऑफ बॉडिंगटन, जो बॉडिंगटन संख्याविद हुए हैं उन्होंने क्या कहा है, बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टीमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, एस्टीमेट्स हैं, और जो उनका जो दोनों का विज्ञान भी से कहा गया है, बोडिंगटन ने कहा सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। तो ये हमारा एस्टीमेट का भी हो गया, एस्टीमेट अनुमान हो गया, और प्रोबेबिलिटी हमारी संभावना होगी जो प्रायिकता है। तो इन्होंने भी बोल दिया ये चीज, डिफरेंट डिफरेंट ने अलग अलग दिए हैं। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट संख्या सांख्यविद की। तो इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सेलिंग मैन, सेलिंग मैन का देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। सेलिंग मैन बहुत बड़े संख्याविद सांख्यविद हुए हैं। स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग क्लासिफाइंग टेबुलेशन कंपेयरिंग इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एन स्फेयर ऑफ इंक्वायरी। तो कहना क्या चाहते हैं, ये बोलते हैं सांख्यिकी वह विज्ञान है जो जांच के किसी भी क्षेत्र में कुछ प्रकाश डालने के लिए एकत्रित किए गए, इकट्ठे किए गए, कुछ प्रकाश डालने के लिए इकट्ठे किए गए जो संख्यात्मक डेटा है हमारा
उसको एकत्र करने मतलब कलेक्ट करने, वर्गीकृत करने मतलब क्लासिफाई करने, सारणीकरण मतलब टेबल बनानी, उसका टेबुलेशन करना, तुलना करने उसको कंपैरिजन करना, और व्याख्या उसको डिटरमाइन करना या उसको एक्सप्लेन करना या उसको प्रेजेंटेशन देना या उसकी इंटरप्रिटेशन करना, तो इसको व्याख्या करने के तरीके से संबंधित है। तो सेलिंगमैन कहते हैं कि जो हमारा जो सांख्यिकी विज्ञान है वो जांच के किसी भी क्षेत्र में, जो हमारी जांच चल रही है उसे किसी किसी भी क्षेत्र की जांच हो, उसमें कुछ प्रकाश डालने के लिए, कुछ आंकड़ों को हाईलाइट करने के लिए, संख्यात्मक डेटा को एकत्र करने, इकट्ठे करने, वर्गीकृत करने, क्लासिफाई करने, सारणीकरण, टेबुलेशन करने और कंपैरिजन करने एंड एनालिसिस जो इसका इंटरप्रिटेशन करने के तरीकों से संबंधित है। सही बात है, ये होती है, आपको पता है ये सांख्यिकी में होता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जो सांख्यिकी है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अलग अलग इसकी परिभाषा होती है। हम यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में भी साइंस स्टैटिक्स होती है, कॉमर्स में स्टैटिक्स होती है, वो मेन चीज है, और फिजिकल एजुकेशन में हमारी होती है, ज्योग्राफी में होती है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट में भी सांख्यिकी होती है, तो अलग अलग परिभाषा इसकी हो जाती है अलग अलग सब्जेक्ट होने पर। तो आप एक ही परिभाषा को निश्चित नहीं माने, हर सब्जेक्ट में उसी परिभाषा को निश्चित नहीं माने आप। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारे सांख्यिकीविद हैं, नेक्स्ट हैं क्रॉक्सटेन और काउडेन ने। काउडेन ने क्या कहा है देखते हैं। काउडेन ने बोला है, क्रिस्टेन एंड काउडेन, इन्होंने क्या बोला है, क्रॉक्सटेन एंड काउडेन इन्होंने क्या बोला है देखते हैं। इन्होंने बोला है डिफाइंड दैट स्टैटिक्स एज द कलेक्शन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेरिकन डाटा। तो इसमें देखते हैं उन्होंने क्या बोला, सांख्यिकी जो है हमारा, सांख्यिकी संख्यात्मक डेटा के संग्रह, उसका टेबुलेशन, सेम ऊपर वाले ही जो सांख्यिकी थे उन्होंने भी ऐसे दिया था, उसका प्रेजेंटेशन देना, उसका एनालिसिस करना और उसको इंटरप्रेट करना। तो सांख्यिकी संख्यात्मक डेटा के संग्रह, सारणीकरण, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या के रूप में इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोनों में यही अंतर रहेगा, इन्होंने बोला था सेलिंगमैन ने कि उसको जांच के किसी भी क्षेत्र में डाटा को एकत्र करने, वर्गीकरण करने, सारणीकरण करने, तुलना करने और उसको व्याख्या करने के लिए। इसमें इन्होंने बोला थोड़ा सा अंतर है बस इसमें, एनालिसिस, इंटरप्रेशन, कलेक्शन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन। इन्होंने बोला था कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, टेबुलेशन, कंपेयरिंग, इंटरप्रेटिंग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सेलिंगमैन और क्रॉक्सटन एंड काउडेन की परिभाषा में, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। वैसे क्रॉक्सटेन जो इंपोर्टेंट है बता देता हूँ, क्रॉक्सटेन और एलबाउली, इन दोनों की परिभाषा बहुत बार पूछी हुई है, और पीएचडी में थीसिस लिखते टाइम स्टैटिस्टिक्स की जब परिभाषा लिखते हैं तो इनको यूज भी करते हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं। इसमें बहुत इजी से मैंने इसको इसको टेबल के अनुसार जो फ्लो चार्ट है हमारा, फ्लो चार्ट बना के मैंने इसको अच्छे से समझाया है। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स फ्रंट पर ही रहेगा, टाइप ऑफ स्टैटिक्स, इसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा डेस्क्रिप्टिव, दूसरा होगा इन्फेरेंशियल, दो हमारे हो गए। अब डेस्क्रिप्टिव के जो हैं वो भी दो हैं, वो कौन कौन से, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो ये मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये हो गई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और ये मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी हो गया, मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी हो गया परिवर्तनशीलता की माप। तो आप इसमें कंफ्यूजन आओ इसको लेके, अब बात कर लेते हैं मीजर ऑफ टेंडेंसी। इसके लिए इसमें तीन है, सबसे पहले मीन, उसके बाद मोड, उसके बाद मीडियन। तो आप तीनों को जानते हैं, मीन होता है हमारा समांतर माध्य, मोड होता है बहुलक और मीडियन होता है माध्य का। तो बात करते हैं मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी की, तो इसमें रेंज, वेरिएंस और डिस्पर्सन। तो इसमें फ्लो चार्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबसे दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स दो प्रकार के होते हैं, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। डेस्क्रिप्टिव भी दो हैं, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब मीजर ऑफ टेंडेंसी जो है सेंट्रल टेंडेंसी, वो तीन प्रकार के हैं, मीनिंग, मोड, मीडियन,
और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो परिवर्तनशीलता की माप जो है वो तीन प्रकार की है, रेंज, वेरिएंस और डिस्पर्सन। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषा, ये होती क्या क्या है। तो ये फ्लो चार्ट भी बनाना है आपको पेपर में, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। तो ये होती क्या है इसको देख लेते हैं। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स यूज डाटा दैट प्रोवाइड ए डेस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन आइदर थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और ग्राफ और टेबल। तो क्या बोलते हैं हिंदी में भी मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, तो हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। हिंदी में क्या है इसका, इसको बोलते हैं वर्णात्मक सांख्यिकी। वर्णात्मक आंकड़े डेटा का उपयोग करते हैं जो संख्यात्मक गणना या ग्राफ या तालिका जो टेबल है हमारी के माध्यम से जनसंख्या का विवरण प्रदान करता है। तो वही बात हुई जो मैंने बोला था, सेंसस के दौरान ही इसको यूज किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अब वर्णात्मक सांख्यिकी वही है जो संख्यात्मक गणना या ग्राफ या तालिका के माध्यम से जनसंख्या का विवरण, सेंसस का विवरण प्रदान करता है। यह डेटा एक ग्राफिकल सारांश प्रदान करता है। इसका उपयोग केवल वस्तुओं को, वस्तुओं आदि को सारांशित करने के लिए किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि इसको वस्तुओं आदि को सारांशित करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इट प्रोवाइड ए ग्राफिकल समरी ऑफ डाटा, इट सिंपली यूज्ड फॉर, एक बार इसको देख लेते हैं हट गया ये, हाँ ठीक। तो इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी और ये आगे डेस्क्रिप्टिव पर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स यूज डाटा प्रोवाइडेड डेस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन आइदर थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और ग्राफ या टेबल। मैंने बताया था वही सेंसस वाला, पॉपुलेशन वाला सिस्टम, पॉपुलेशन के यूज के लिए। इट प्रोवाइड ए ग्राफिकल समरी ऑफ डाटा, इट सिंपली यूज फॉर समराइजिंग ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, देर आर टू कैटेगरीज इन एज फॉलोइंग बिलो। तो कौन कौन से हैं देखो, ये बताया था इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब इसके बारे में दो हैं, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन, इज ऑल्सो नोन एज समरी स्टैटिक्स, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द सेंटर पॉइंट और ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए डाटा सेट या सैंपल सेट। इन स्टैटिक्स देर आर थ्री कॉमन मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज सोन एज बिलो। तो हिंदी में भी देख लेते हैं इसको, हिंदी के भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये है केंद्र प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी, द मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या बोला जाता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के सारांश को सारांश सांख्यिकी के रूप में जाना जाता है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको समरी स्टैटिक्स के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग डेटा सेट या नमूना सेट के सेंट्रल पॉइंट या किसी स्पेसिफिक प्राइस का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। आंकड़ों में इन इन ऑब्जर्वेशन केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन सामान्य उपाय हैं, जैसे कि नीचे। तो आंकड़ों में जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो तीन प्रकार हैं वो कौन कौन से, हमारा मीन हो गया समांतर माध्य हमारा, और सेकंड हमारा ये मिस्टेक हो गया टाइप में, सेकंड हमारा है माध्य का, और थर्ड है हमारा मोड। तो इंग्लिश में इसको देखते हैं, वेरी इजी है ये। तो इसमें एक एक लाइन इसमें भी लिखना है आपको, थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब हो जाता है। तो इसमें हम पहले मीन को देख लेते हैं। तो मीन में क्या है देखिए, मीन में इट इज द मीजर्स ऑफ एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू इन ए सैंपल सेट। तो मीन समांतर माध्य होता क्या है, समांतर माध्यम इसकी पहले परिभाषा बताते हैं आपको। समांतर यह एक नमूना सेट में सभी मूल्यों के औसत का माप। तो यदि हमारे पास कोई आंकड़े दिए हुए हैं कि ये नंबर हैं, ये मार्क्स हैं, कुछ भी हैं, हम इनका एवरेज जो निकालेंगे वो हमारा समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य और माध्य का और मोड, इसके ऊपर मैं तीनों का स्पेशलाइजेशन में वीडियो भी बनाऊंगा और विद एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं अभी, तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम माध्यिका पर। माध्यिका किसको बोलते हैं, मीडियन। मीडियन क्या है, इट इज द मीजर्स ऑफ सेंटर वैल्यू ऑफ ए सैंपल सेट, इन दीज डाटा सेट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू एंड देन फाइंड एग्जैक्ट मिडिल।
तो ये बोल रहे हैं कि माध्यिका हमारे क्या, देखो माध्यिका का यदि हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद समझते होंगे उसको दो भागों में बांटे हैं, उसकी संधि तोड़े हैं, उसकी विच्छेद करें हम उसको, तो माध्यिका का होगा माध्य, मध्य प्लस इका, मध्य प्लस का माध्यिका। तो मध्य मीन्स क्या हो, मध्य मीन्स क्या होगा, सेंटर पॉइंट, सेंटर, यह एक नमूना सेंट के केंद्रीय मूल्य का माप है, तो सेंट्रल पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट है। इनमें डेटा सेट को सबसे कम से उच्चतम मूल्य तक दिया जाता है, फिर सटैक सटीक मध्य मिलता है, तो सबसे कम से बड़े की तरफ, तो हम इसको असेंडिंग, असेंडिंग मानते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, सबसे पहले एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे। अब हिंदी में बोले तो आरोही क्रम में, और इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लगाते हैं, तब उसके बाद जो उसमें सटीक बिल्कुल बिल्कुल मीडियन में सेंटर में होता है वो हमारा मध्यिका होती है, माध्यिका होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोड की, मोड क्या है, बहुलक हिंदी में इसको बोलते हैं, और यह नमूना सेट में सबसे अधिक बार वाला मूल्य है, केंद्रीय सेट में अधिकांश समय में दोहराया जाने वाला मान वास्तव में मोड है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बोल रहे हैं यह नमूना जो हमारे भी सेट बताए हुए, जो नंबर के सेट है, मार्क्स ऑफ सेट है, किसी के भी सेट है, यदि उसमें जो सबसे अधिक बार, जैसे कि हिंदी इंग्लिश मैथ उसके अलग अलग कि उसमें 40 नंबर है, उसमें 42 नंबर है, ऐसे जिसमें भी जो टर्म बार बार यूज हो रही है वही उस आंकड़ों का बहुलक होता है। तो यह नमूना सेट में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य है, केंद्रीय सेट में अधिकांश समय दोहराना जाने वाला वास्तव में मोड है। तो इंग्लिश में अगर मैं इसको बता दूं तो हाईएस्ट नंबर है, आंकड़ों का हाईएस्ट नंबर ही मोड है, तो ये मोड की हमारी परिभाषा ये रही। देखो इट इज वैल्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली अराइव्ड इन सैंपल सेट, द वैल्यू रिपीटेड मोस्ट ऑफ टाइम इन सेंट्रल सेट इन एक्चुअली मोड। तो जो ये वही बहुत बात बोल रहा है, सैंपल सेट है हमारा कोई नमूना है, और उसमें हम रिपीटेड जो हमारा रिपीटेड मोस्ट ऑफ टाइम जो हमारा हो रहा है उसको ही हम बहुलक बोलेंगे, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम जो हमारा इसका दूसरा पॉइंट था, मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये वाला मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो बात करते हैं मीजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अब ये होता क्या है, मीजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज आल्सो नोन एज मीजर ऑफ डिस्पर्सन एंड यूज टू डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी इन ए सैंपल और पॉपुलेशन। तो इसकी बात करते हैं अगर हिंदी में, तो हिंदी में क्या बोला जाता है, देखो परिवर्तनशीलता मैंने बताया था, इसको परिवर्तनशीलता बोला जाता है, परिवर्तनशीलता। तो इसको परिभाषा इसकी क्या रहेगी, डेफिनेशन होता क्या है, देखिए परिवर्तनशीलता के माप को फैलाव के रूप में भी जाना जाता है, और इसका उपयोग नमूने या जनसंख्या में परिवर्तनशीलता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आंकड़ों में परिवर्तनशीलता के तीन ही इसके जैसे उसके सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी के थे, ऐसी इसके परिवर्तनशीलता के हैं। तो इसमें इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, देखिए मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी। इन स्टैटिक्स देयर आर थ्री कॉमन मीजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एज सोन एज। तो मीजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आप समझ गए होंगे, जो हमारी वेरिएबिलिटी जो परिवर्तनशीलता की माप है वो क्या है। तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं, जैसे हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के तीन प्रकार होते हैं, इसके पहला होता है रेंज, दूसरा होता है वेरिएंस, और तीसरा होता है डिस्पर्जन। तो पहला रेंज, रेंज क्या है, देखो इट इज गिवन मीजर्स ऑफ हाउ टू स्प्रेड ए पार्ट वैल्यू इन सैंपल सेट और डाटा सेट। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला है, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट आते हैं वेरिएंस, वेरिएंस में इट इज सिंपली डिस्क्राइब्स हाउ मच ए रैंडम वेरिएबल्स डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड इट इज आल्सो कंप्यूटेड एज स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो इसका ये निकालने का इसका ये फॉर्मूला है। अब बात करते हैं डिस्पर्सन की, तो इसमें इसके संकेतक हैं, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जो भी इसमें यूज हुआ है, जिन जिन संकेतक का जो जो टर्म है उनका लिखा हुआ, एन क्या है, एक्स बार क्या है, ये एक्स आई ये क्या है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा वीडियो में टाइम नहीं लूंगा मैं। आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, कमेंट कर दें, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर दें जिन भाइयों पर मेरा नंबर है, और मैं उनको इंडिविजुअल भी इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा।
तो बात करते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का इट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सेट ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स मीन, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं उसके जो हमारा ये था लास्ट वाला इनफेरेंशियल स्टैटिक्स, तो ये होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं इनफेरेंशियल। देखिए इनफेरेंशियल स्टैटिक्स होता क्या है, इनफेरेंशियल स्टैटिक्स मेक्स इन्फ्रेंस द प्रिडिक्शन अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ डाटा, बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ डाटा टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। इट जनरलाइज ए लार्ज डाटा सेट एंड एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटीज टू ड्रॉ ए कंक्लूजन। हिंदी में मैं अभी इसको अच्छे से बताऊंगा, पहले एक बार बोलकर इसको बता देता हूँ। इट इज सिंपली यूज फॉर एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्टैट्स। इट इज सिंपली यूज टू एनालाइज इंटरप्रेट रिजल्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स मेनली रिलेटेड टू एंड एसोसिएटेड विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग हूज मेन टारगेट इज टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इसका क्या रहेगा हिंदी में, मैं हिंदी में ही बता देता हूँ इसको। इसको हिंदी में बोला जाता है अनुमानित सांख्यिकी। हिंदी में अनुमानित सांख्यिकी जनसंख्या से लिए गए आंकड़ों के नमूने के आधार पर जनसंख्या के बारे में अनुमान और भविष्यवाणी करती है। तो ये वो वाली सांख्यिकी है, ये वो वाली स्टैटिक्स है जो आंकड़ों के, जो जनसंख्या से लिए गए जो आंकड़े हैं उनके सैंपल के आधार पर सेंसस, जो हमारी जनगणना है, जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जनगणना के दौरान जो जनसंख्या हमारी निकली है, जो पॉपुलेशन निकले उनके बारे में अनुमान गैस और भविष्यवाणी जो प्रिडिक्शन देती है। यह एक बड़े डेटा सेट को सामान्यकृत कर, जो बड़े जितने भी बड़े बड़े डेटा सेट हैं उनको एक नॉर्मलाइजेशन में कर देती है और निष्कर्ष निकालने के लिए, जो कंक्लूजन निकालने के लिए संभावनाओं को लागू करता है, जो हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको लागू करता है। यह केवल वर्णनात्मक आंकड़ों के अर्थ को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई बड़े बड़े आंकड़े हैं, वो आंकड़े जैसे जनगणना में जनसंख्या के आंकड़े हैं उनको शॉर्ट में करने के लिए इसका भी यूज होता है। इसका उपयोग केवल विश्लेषण करने, एनालिसिस करने, परिणाम की व्याख्या करने, जो हमारा रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करने और निष्कर्ष कंक्लूजन निकालने के लिए किया जाता है। तो विचारशील सांख्यिकी मुख्य रूप से परिकल्पना परीक्षण से संबंधित और संबंध है, जिसका मुख्य लक्ष्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना है। तो ये आपका टाइप्स हो गए। बात कर लेते हैं नेचर ऑफ स्टैटिक्स। तो जो हमारे सांख्यिकी जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या रहने वाली है उसको देख लेते हैं। इफ साइंस इज नॉलेज, आर्ट इज एक्शन और द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। व्हाइल साइंस टीचेस अस नो, आर्ट टीचेस अस टू डू, फर्दर आर्ट हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला कार्रवाई है। सही बात है बिल्कुल। ये बोल रहा है कि यदि विज्ञान साइंस एक नॉलेज है तो कला कार्रवाई है, निश्चित रूप से कार्रवाई है। भाई कला, हम कुछ भी हम आकृति बना रहे हैं, शेप एंड साइज बना रहे हैं, वो कला है, एक कला कार्रवाई हो गई। वो विज्ञान का वास्तविक अनुप्रयोग है। विज्ञान वो भी है जो हम खोज कर रहे हैं, नई नई रिसर्च कर रहे हैं, हम उसको एक्चुअल में कर देख रहे हैं कि ये सही है चीज, सिद्ध करके देख रहे हैं, उसको प्रूव करके देख रहे हैं, वो भी साइंस है। जबकि हमें विज्ञान हमें जानना सिखाता है, कला हमें करना सिखाती है। सही बात है बिल्कुल। विज्ञान हमें वो सिखाता है जो हमें नहीं पता, नई चीज बिल्कुल निकाल कर सिखाता है कि अरे ये भी होता है, वो भी होता है, ये विज्ञान है। कला हमें करना सिखाती है, हम क्या करते हैं, कुछ बनाकर हम कोई आकृति, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये हो गया ये। कुछ भी हम आकृति बना रहे हैं कि अरे ये तो कमल ऐसा बनता है, कमल बहुत अच्छा बन गया हमसे। कुछ भी हम आकृति बना रहे हैं तो कला हमें करना सिखाती है। बात करते हैं इसके अलावा कला में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह क्रियाओं का समूह है। इंग्लिश में पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्शन विच सॉल्व ए प्रॉब्लम। इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्शन विच सॉल्व ए प्रॉब्लम। क्या कहते हैं ये कहते हैं जब
यह क्रियाओं का समूह है जो एक समस्या को हल करता है, यह तथ्यों का वर्णन नहीं करता बल्कि गुणों और दोषों की जांच करता है और उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीकों को सुझाव देता है। तो यह क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन दीज करैक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन दीज करैक्टरिस्टिक्स वी कैन डिफाइन स्टैटिक्स एज एन आर्ट ऑफ अप्लाइंग द साइंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ये बोल रहा है, हिंदी में देखते हैं इसको, इन विशेषताओं के आधार पर हम वैज्ञानिक तरीकों के विज्ञान को लागू करने की कला के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित कर सकते हैं। तो हम जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसमें साइंस को लागू करने, साइंस को अप्लाई करने की कला के रूप में स्टैटिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज एन आर्ट, एज एन आर्ट स्टैटिक्स ऑफर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ एज इट ऑफर्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या बोलता है, हिंदी में देखते हैं, एक कला के रूप में देखें इसको, तो आंकड़े वास्तविक जीवन में समस्याओं की बेहतर समझ को समाधान प्रदान करते हैं क्योंकि यह मात्रात्मक जानकारी प्रदान करता है, जबकि कई सांख्यिकी विधियां हैं। नेक्स्ट, नेचर में इसका यह रहेगा कि ये स्टैटिक्स एक साइंस है या आर्ट है, ये इसको बिल्कुल डीपली बताना है कि साइंस है या आर्ट है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जो का त्यों बिल्कुल नितार देना है अपनी भाषा में, समझना लेना एक बार। While there are several statistics methods, the successful application of the method is dependent on the statistician degree of skill and experience. तो हमने क्या बोला था अभी, क्योंकि यह मात्र, जबकि कई सांख्यिकी विधियां हैं, जो विधियों का सफल अनुप्रयोग सांख्यिकी विधि के कौशल, स्किल और एक्सपीरियंस की डिग्री पर डिपेंड होता है। टिप्पेट एक स्टैटिस्टिशियन हुए हैं बहुत बड़े, इसका नाम एमपीएड में भी सुनने को मिलेगा। टिप्पेट के अनुसार सांख्यिकी एक विज्ञान और एक कला दोनों है। तो स्टैटिक्स वही बात हम नेचर में बता रहे हैं कि ये साइंस है, आर्ट है, क्या है, दोनों के व्यू से इसको एक्सप्लेन करना है, ये नेचर ऑफ स्टैटिक्स है। यह एक विज्ञान है, इसमें एक तरीके मूल रूप से व्यवस्थित हैं और सामान्य अनुप्रयोग और कला है जिसमें उनका सफल अनुप्रयोग काफी हद तक कौशल पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, सांख्यिकी साइंस और आर्ट दोनों है या एक है, वो इसको देख लेते हैं हम इंग्लिश में एक बार इसकी परिभाषा। अकॉर्डिंग टू टिप्पेट, स्टैटिक्स इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। स्टैटिक्स दोनों है साइंस एंड एन आर्ट। इट इज साइंस इन दैट इट्स मेथड आर बेसिकली सिस्टमेटिक and have general application and art in that their successful application depends to a considered degree on the skill and special experience of the statistician and on his knowledge of the field of application. तो टिप्पेट एक ही बात कहते हैं कि statistics is both a science and art. तो ये दोनों हैं, statistics science भी है और art भी है, इस बात को टिप्पेट कहते हैं। तो ये हमारी प्रकृति हो गई है, बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो हमारा जो नीड एंड इम्पोर्टेंस, जो हमारा आवश्यकता है इसकी और महत्व है स्टैटिक्स का, वो फिजिकल एजुकेशन के दायरे से देखा जाए तो वो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर, लिटरेचर को समझने में, वन कैन नॉट रीड मच ऑफ द लिटरेचर इन द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एनकाउंटरिंग स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट मेथड एंड टेक्निक्स। तो क्या कहता है एक बार इसको देख लेते हैं हिंदी में भी, ज्यादा नीचे आना पड़ेगा क्योंकि 6-7 पॉइंट इसमें दिए हैं। साहित्य को समझने के लिए देखो, कोई शारीरिक शिक्षा और खेल में सांख्यिकी अवधारणाओं, विधि और तकनीकों का सामना करने वाले साहित्य को बहुत नहीं पढ़ सकता है। सांख्यिकी के मूल सिद्धांतों की उचित समझ के बिना मुझे
शोध लेखों में उल्लिखित परिणाम की व्याख्या करना और पहचानना बहुत मुश्किल है, जिसके परिणाम स्वरूप लेख का उद्देश्य छात्र को स्पष्ट नहीं हो सकता और वह पढ़ने में रुचि खो देता है। तो ये कहना चाहते हैं ये जो इम्पोर्टेंस नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये ऑफ स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन जो हमने निकाला है, ये हमने एक रिसर्च पेपर और एक जर्नल से निकाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका अलग अलग सारे शिक्षा में जो इसका महत्व है वो हर किसी के कंटेंट हर किसी के बुक में नहीं मिल रहा था, तो हमने रिसर्च पेपर जर्नल से निकाला, बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से लिख रखा है इन्होंने। अब इसमें देखो साहित्य को समझने के लिए इन्होंने बोला है, यदि हम उल्लेखित परिणाम की व्याख्या करें तो इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, जिसके परिणाम स्वरूप लेख का उद्देश्य छात्र को स्पष्ट नहीं हो सकता, पढ़ने में रुचि खो देता है। अब साहित्य को यदि हम किताब कॉपी में लिखें, एक व्याख्या करें उसकी, तो बालक को समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा और पढ़ने में अपना रुचि खो देगा, उसे पढ़ने मन ही नहीं लगने का। यदि हम उसको सांख्यिकी के रूप में सिखाएं, स्टैटिक्स में उसको बार ग्राफ पाई डायग्राम के अनुसार सिखाएं, तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो यहां भी इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है टू कंस्ट्रक्ट द रिसर्च प्रॉब्लम। देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन एज एब्स्ट्रैक्ट एंड रेशनल थिंकिंग। ए रिसर्चर नीड्स टू नो इन एडवांस अबाउट हिज रीजनेबल हाइपोथेसिस विच ही विश टू बी वेरीफाइड। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डिजाइन एंड टेक्निक्स विच आर पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट हिज प्रॉब्लम। तो क्या कहते हैं देख लेते हैं एक बार। दूसरा इसका पॉइंट ये रहा, अनुसंधान समस्याओं को निर्माण करने के लिए, देख लेते हैं एक बार। टू कंस्ट्रक्ट द रिसर्च प्रॉब्लम, अमूर्त और तर्कसंगत सोच के बीच बहुत अंतर है। एक शोधकर्ता को, जो रिसर्चर है हमारा, को अपनी उचित परिकल्पना के बारे में पहले से जानने की जरूरत है, जिसे वह सत्यापित करना चाहता है। तो यदि हम कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमको जो प्रूव करना है उसको पहले से जानने की जरूरत है। उसे उचित सांख्यिकी डिजाइन, जो उसका अच्छा सा सांख्यिकी स्टैटिकल डिजाइन होना चाहिए, और टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए जो उसकी समस्या में लागू करने संभव है। इससे आपका जो रिसर्च से प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार सांख्यिकी अवधारणा और तकनीक की उचित सराहना के बिना तर्कसंगत रूप से सही शोध समस्याओं का निर्माण करना संभव नहीं है। तो जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसमें हमको दिक्कत आती है। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा हमें सत्यापित करना है, हमें प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देनी, प्रूव करना है, उसको पहले से जानने की जरूरत है कि हमें करना क्या है। उसको पता लगते ही सबसे पहले उसका उचित सांख्यिकी डिजाइन डेवलप कर लें, उसके बाद उसको आगे लिखें। तीसरा पॉइंट क्या है? टू डेवलप साइंटिफिक टेंपर। तो स्टैटिक्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो इट इज ट्रू इन केस ऑफ फिजिकल एजुकेशन टू, इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू थिंक रेशनली अबाउट एनी सिचुएशन। ड्यूरिंग द मैच ए प्लेयर डिसीजन फॉर एनी मूव इज प्योरली बेस्ड अपॉन इज साइंटिफिक थिंकिंग। तो इसका एक बार देख लेते हैं हिंदी वर्जन भी। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, तो जो हमारी साइंटिफिक थिंकिंग है वो डेवलप करना क्या है? सांख्यिकी किसी भी पेशे और प्रशिक्षण कार्य का अनिवार्य हिस्सा, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। किसी भी पेशा हो, कोई भी पेशा हो, कोई भी बिजनेस हो और कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसका बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है, सोचने वाली बात ही नहीं है। इसलिए शारीरिक शिक्षा के मामले में भी सच है, ताकि छात्रों को किसी भी स्थिति के बारे में तर्कसंगत रूप से सोचने में मदद मिल सके। तो नेक्स्ट हम बोलते हैं मैच के दौरान, ड्यूरिंग मैच, किसी भी कदम के लिए एक खिलाड़ी का निर्णय, कोई भी स्टेप है
कोई हम स्टेप उठा रहा, कोई भी प्लेयर एक डिसीजन ले रहा है, पूरी तरह से उसकी वैज्ञानिक जो हम साइंटिफिक थिंकिंग है उस पर डिपेंड होता है। इन रियली एक कोच अपने पिछले अनुभव से प्राप्त, अपना जो पिछला एक्सपीरियंस है उससे जो अचीव किया हुआ है, अपने डिसीजन के बेसिस पर, अपने प्रशिक्षु, अपने जो अपना जो ट्रेनी है जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम की कल्पना करता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी कल्पना करता है, सोचता है कि क्या करना चाहिए। यह तभी संभव है जब कोई वैज्ञानिक तर्कों के अनुसार किसी भी तथ्य को बिल्कुल एग्जैक्ट रूप से देखता है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, कहां कहां इसका इंपोर्टेंस है। टू एसिस द फेथफुलनेस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग एंड टू कॉन्ट्रडिक्ट द अनजस्टिफिएबल क्लेम्स। सेवरल रिसर्चर पब्लिकली अनाउंस देयर फाइंडिंग बेस्ड देयर रिसर्च वर्क इन ऑर्डर टू एक्सेस द फेथफुलनेस ऑफ देयर स्टेटमेंट। वन कैन रीड देयर रिसर्च रिपोर्ट बट टू प्रूव द कन्फर्मिटी बिटवीन देयर स्टेटमेंट एंड द एक्चुअल फैक्ट, वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेटिकल टेक्निक यूज द एक्चुअल रिपोर्ट फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन। इसमें चौथा पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, अनुसंधान निष्कर्षों की विश्वसनीयता का आकलन करने और अनुचित दावों का खंडन करने के लिए। तो इसमें कई रिसर्चर जो हैं सार्वजनिक रूप से अपने शोध कार्य के आधार पर अपनी खोज की घोषणा करते हैं, तो शोध कार्य के आधार पर अपनी खोज की घोषणा करते हैं रिसर्चर सार्वजनिक रूप से सभी के सामने, उनके बयान की विश्वसनीयता, उनके जो बयान है, उनका जो लेक्चर है, उनका जो स्टेटमेंट है उसकी रिलायबिलिटी का आकलन, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कोई भी उनकी शोध रिपोर्ट पढ़ सकता है। लेकिन उनके बयानों और वास्तविक तथ्य के बीच अनुरूपता साबित करने के लिए, किसी भी निष्कर्ष निकालने के लिए रियल रिपोर्ट का यूज करने वाली स्टेटेक्सियल सांख्यिकी तकनीकों को समझने में सक्षम होना चाहिए। कई कंपनियां वैज्ञानिक के शोध खोज का उपयोग करके अपने उत्पाद के बारे में दावा करती हैं। इन दावों का परीक्षण आवश्यक स्थिति के तहत एक प्रयोग करके और डेटा का विश्लेषण करके, एनालिसिस करके जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि एक फिटनेस लैब घोषणा करती है कि उसकी जो ओरल पिल्स हैं, जो मौखिक गोलियां हैं जो ओरल रूप से दी गई हैं, वो 10 किलोग्राम वजन कम करती हैं, तो 15 दिनों में वजन, यह दावा वास्तव में प्रयोग करके परीक्षण किया जा सकता है। आमतौर पर ऐसे दावे करने वाले करने में कंपनियां कई अन्य तथ्यों को छुपाती हैं जो उनके दावों को सही ठहराने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वे ये नहीं बता सकते कि किस आयु वर्ग और वजन समूह के लिए उन्होंने इस खोज को किया है। तो हम आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट कहता है टू डेवलप द इंडिकेस ऑन द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू एक्सेस एंड एकेडमिक एक्सलेंस ऑफ ए स्टूडेंट हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज यूज्ड एज एन इंडेक्स। सिमिलरली टू एक्सेस द जनरल फिटनेस ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट एन इंडेक्स इज रिक्वायर्ड। हिंदी में इसको देख लेते हैं एक बार, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो गया है। विभिन्न विशेषताओं और प्रदर्शन पर सूचकांक विकसित करने के लिए, देखो यदि एक छात्र की अकेडमिक उत्कृष्टता, जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसकी का आकलन करने के लिए परीक्षा में उसके प्रदर्शन का उपयोग इंडेक्स के रूप में किया जाता है, इसी तरह एक कॉलेज के छात्र की सामान्य फिटनेस का आकलन करने के लिए एक इंडेक्स की आवश्यकता होती है। हालांकि कई जो राइटर हैं उन्होंने किसी व्यक्ति की विभिन्न करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने और खेल में विभिन्न घटनाओं पर प्रदर्शन के माप के लिए, जो उसका परफॉर्मेंस का मेजर है के माप के लिए, इंडेक्स खोजने के तरीकों और साधनों का सुझाव भी दिया है। लेकिन इन फ्यूचर ऐसे इंडेक्स कि गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट बहुत सारी सांख्यिकी अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। तो इसका यूज यहां भी हो गया एकेडमिक उत्कृष्टता निकालने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हम पॉइंट सिक्स पर। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, टू डेवलप नॉर्म्स ऑन वेरियस स्टेट।
परफॉर्मेंस ऑन एनी ट्रेड लाइक सिटअप्स पुलअप्स एंड पुशअप्स एक्सेट्रा नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू ए स्कोर बाय यूजिंग ए स्केल रैगिंग फ्रॉम 0 to 100 टू मोटिवेट ए स्टूडेंट। हिंदी में क्या बोलता है इसको, विभिन्न लक्षणों पर मानदंड विकसित करना, किसी भी विशेषता पर प्रदर्शन जैसे उठक बैठक पुल अप और पुश अप आदि, एक छात्र को मोटिवेट करने के लिए जो हमारे 0 से 100 तक के जो पैमाने हैं उसका उपयोग करके स्कोर में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस तरह के परफॉर्मेंस के रूपांतरण को मानदंडों के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह के मानदंडों को एक आदमी आम आदमी द्वारा आसानी से समझा सकता है, जिसका उपयोग स्कूल और कॉलेज में छात्रों की जो एडमिशन प्रक्रिया है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम सातवें पॉइंट पर। सातवां पॉइंट क्या कहता है, सातवां पॉइंट कहता है टू कंडक्ट रिसर्च। रिसर्च कंडक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट एंड टेक्निक्स आर इम्पोर्टेंट इन डिजाइनिंग ऑन एक्सपेरिमेंट्स इन ड्राइंग ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इन एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट एंड इन चूजिंग द करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। देख लेते हैं हिंदी में क्या कहता है, हिंदी में कहता है अनुसंधान करने के लिए, अनुसंधान मतलब रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए, सांख्यिकी अवधारणाएं और तकनीकें एक प्रतिनिधि नमूना खींचने में, प्रयोगों को डिजाइन करने में, परीक्षण को प्रशासित करने में और अनुसंधान करने में और परिणामों की व्याख्या करने में, रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए सही सांख्यिकी परीक्षण चुनने में महत्वपूर्ण है। इस परिणाम विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने के लिए सटीक तरीके से शोध करने के लिए सांख्यिकी अवधारणाओं विधियों और तकनीकों का उचित ज्ञान होना बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये आपका नीड इम्पोर्टेंस हुआ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लंबी भी हो गई है और पूरा अच्छे से इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हो गया, मीनिंग डेफिनेशन टाइप्स नेचर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से हो गया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा, आप अच्छे से पेपर में लिख भी पाएंगे। और यदि ये पीडीएफ भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बोल रहा हूँ मैं डाल दूंगा, और मुझे कमेंट करके आप बताएं कि क्या करना चाहिए, आगे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और इंडिविजुअल भी व्हाट्सएप पर डालना है तो उसे बता दीजिए, और आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है वो भी उस कमेंट में बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।